नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं हूं आदित्य झा। पिछले कई दिनों से लोगों को बस एक चिंता सताई जा रही है कि क्या सोशल मीडिया भारत में बंद हो जाएंगे, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के लोग आदि हो चुके हैं और क्वारंटाइन में उनका समय बहुत ही मुश्किल से बीतता है और ये बहुत ही ज़्यादा रूप से इन पर डिपेंडेंट है। तो उन लोगों को बहुत चिंता थी और कई लोगों का जो पूरा व्यापार है वो इन्हीं वेबसाइट्स के द्वारा चलता है। लेकिन अब यह बात साफ हो चुका है कि ये साइट्स बैन नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब उन्हें 26 मई का डेडलाइन दिया गया था और यह डेडलाइन जनवरी से ही चल रही थी, तो सोशल मीडिया के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस पर एक्ट क्यों नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात यह देखने वाली बात है कि अगर जब ट्विटर भाजपा के कुछ मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड बोल देता है, जो कि रहता है, तो भाजपा के मंत्री उन ट्विटर के अकाउंट वालों पर रेड पड़वा देते हैं। ट्विटर के हेड ऑफिस पे गुड़गांव और दिल्ली समेत मुंबई में भी कई जगह पर रेड पड़े। इससे यह दिखता है कि सरकार बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गई है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संबित पात्रा के ट्वीट के, जिसपे उन्होंने कांग्रेस के टूल किट को एक्सपोज किया था, लेकिन उसमें जो 4 स्ट्रिंग्स अटैच थे वो दरअसल फेक पाए गए और उस पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड कॉन्टेंट लिख दिया। इसके बाद संबित पात्रा टीवी पे आकर के अनाप शनाप बके और उसके अगले 2 दिन के बाद यह पता चला कि ट्विटर के एक ऑफिस में रेड पड़ गई। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है बोलने की, उस पर कहीं ना कहीं सरकार हनन दे रही है। यही एक बात जो है ट्विटर को भी समझनी चाहिए, ट्विटर समेत सारे सोशल मीडिया को समझनी चाहिए कि जो मैनिपुलेटिव कंटेंट होता है वो एक तरफ से नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष के कई सारे नेता भ्रामक टिप्पणियां करते हैं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं, गलत बातें बताते हैं लोगों को, लेकिन उन पर ऐसा मैनिपुलेटेड कंटेंट का कोई भी धब्बा नहीं लगता। जैसे कि अखिलेश यादव आकर के ट्वीट कर रहे थे कि वो भाजपा द्वारा निर्मातित जो वैक्सीन है वो नहीं लगाएंगे और लोगों से भी अपील करते कि ना लगवाएं, जो कि ये गलत है, क्योंकि सब लोग को पता है अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नेता आकर के ऐसा बयान देता है तो उस पर भी मैनिपुलेटिव जो कंटेंट है उसे लिखना चाहिए ट्विटर को। तो इस तरीके से ट्विटर को भी बायस नहीं होना चाहिए और सरकार को भी यह देखना चाहिए कि अगर किसी यहाँ पे अगर कोई गलत ट्वीट कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अगर ट्विटर उस पर मैनिपुलेटिव कंटेंट लिख रहा है तो सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए। और सोशल मीडिया को अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है, उन्हें कोई निर्देश देती है और वो लोगों के हित में है तो उन्हें पालन करना चाहिए। आप देख रहे थे कंट्री इनसाइड न्यूज़। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।